माजिद इकबाल खान भाभी लेबर यूनियन प्रेसिडेंट मेंडर। मेरा ये आज वीडियो बनाने का खास मकसद ये है, कुछ हमारे यहाँ बिहार से लेबरर्स लोग हैं जिन्हें आज लॉकडाउन की वजह से पिछले 20-25 दिन से कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। लिहाजा मैं सरकार से और डी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर सरकार ने इनके फंड्स वगैरह पैसे अगर भेजे हैं तो इनकी मदद करनी चाहिए। मैं SDM मेंडर साहब से भी अपील करता हूँ कि इनके लिए कोई राशन पानी वगैरह दिया जाए। मैं आपसे इनसे रूबरू कराता हूँ। आपका नाम क्या है? ब्रिजेश पासवान। हाँ, ब्रिजेश पासवान। हाँ, आप कितने दिन से यहाँ हैं? यहाँ तो हमारा 3 महीना दिन हो गया था। तो पिछले लॉकडाउन से आपको किसी ने चावल कोई खाने पीने कुछ नहीं, खाने पीने वाले कुछ नहीं दिए, एक दो मोहल्ले वाले आदमी है वही दिए थे, 5 kg 4 kg चावल ही दिए थे। तो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ भी नहीं मिला सरकार की तरफ से, कुछ नहीं हम लोग को। आपका नाम? मोहम्मद हुसैन। आप कितने लोग यहाँ रह रहे हो? हम 9 आदमी है। तो कोई आपको खाने पीने का कोई सरकार की तरफ से या कोई लाभ नहीं मिला? यहाँ मेंडर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला? कोई तहसीलदार साहब की तरफ से यहाँ से कोई लाभ नहीं मिला? हम लोग भूखे मर रहे हैं इधर। हाँ जी, आपका नाम क्या? सर मेरा नाम भोला मियाँ। अच्छा, आप कितने लोग यहाँ रह रहे हैं? 12 आदमी है सर। अच्छा, कोई खाने पीने का? नहीं सर, हमारे पास कोई चीज नहीं मिला आज तक 20-25 दिन से हम लोग भूखे मर रहे हैं। हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई इधर सुनने वाला नहीं है। अच्छा, बच्चे को